मैं जादूगर मृत्यु राजीव रोत ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूँ। पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोति भाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। निदान्त कान्त दन्त कान्ति मन्त कान्त कात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीन मन्तराय चिन्तनम् रुदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेक दन्तमेव कं विचिन्तयामि सन्ततम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। जय गणेश। अब इस जादू के रहस्य की ओर चल रहा हूं दोस्तों। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। जादू की रहस्य की ओर चलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 3 नोट, 500 का या 2000 का कोई भी नोट हो सकता है, और उसी साइज का काटा हुआ 3 वाइट पेपर्स। अब 3 ऐसे फोल्डर्स चाहिए जिसके लिए एक सबसे बड़ा और दूसरा उससे छोटा और तीसरा उससे भी छोटा। तो सबसे छोटा वाले से शुरू करते हैं। ये जो सबसे छोटा वाला फोल्डर है उसके साइज में ड्राइंग शीट को लेकर के इस तरह से काट दीजिए। एक साइज जो आपको ठीक लगेगा, यानी 1-2 हजार का नोट ऐसे आना चाहिए इसमें आराम से। इसको लेकर के इसको इस तरह से फोल्ड करके एक फोल्डर बना दीजिए। इसी तरह का इसी साइज का सेम साइज का सेम कलर का 4 कागज आपको काटना होगा। 4 कागज काट करके सेम साइज में काटना है और इसी तरह से फोल्डिंग कर देना है, जिसमें से 2 शीट आपको लेना है और इसका
जो फोल्ड किया हुआ है उसका बीच वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर गोंद लगा करके आपस में चिपका देना है इस तरह से। ये दो कागज है, ये फोल्डर जैसा फोल्डिंग बनाया हुआ है और बीच वाला जो है यहां पर चिपकाया हुआ है और बाहर वाला खुला हुआ है इस तरह। अब इसको ऐसा एक फोल्डर बना सकता है, इसको उल्टा रखेंगे तो ऐसा भी एक फोल्डर बना सकता है। इसी तरह का एक फोल्डर और बनाना है आपको, सेम कलर का सेम साइज का, ऐसा सी साइज का है और उसका बीच वाला पोर्शन जो है फोल्डर बनने के बाद वो आपस में चिपकाया हुआ है बाकी खुला हुआ है। इसको भी ऐसा एक फोल्डर बना सकता है, उल्टा करेंगे ऐसा एक फोल्डर। अब बीच वाला जो फोल्डर है इससे थोड़ा बड़ा है, सबसे बड़े से थोड़ा छोटा है, इसको इस साइज में एक ड्राइंग शीट काटना है, अलग कलर का तो अच्छा है, इससे अलग कलर। और इसको दो कागज काटना है इसी तरह, इसके बीच वाला पोर्शन को चिपका देना है और बाकी साइड वाले को खुला छोड़ देना है। ये भी यहां पर एक फोल्डर इसे बन सकता है, इसको उल्टा करेंगे तो यहां पर एक फोल्डर बन सकता है। अभी ये जो फोल्डर है इसमें कोई रहस्य नहीं है, ये कागज ही है, कागज नहीं मतलब ड्राइंग शीट। अब जादू शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, पहले सबसे वाला सबसे छोटा वाला जो फोल्डर है उसमें से एक लेना है और इसके एक फोल्डर में एक रुपए का नोट डाल देना है, इसको उल्टा करके दूसरा साइड खोलिए उसमें भी एक नोट डाल देना। अब दूसरा जो फोल्डर लेना है इसको एक फोल्डर खोलना है, इसको उसके अंदर रख देना है और फोल्ड कर देना है और इसको उल्टा करके रख देना है इस तरह। अब ये छोटा वाला दूसरा फोल्डर है, इसके एक फोल्डर खोलना है, एक नोट ऐसे रख देना है, फोल्ड कर देना है, इसको उल्टा करके यहां पर रख देना है। हमारा सेटिंग्स रेडी है, इसको फोल्ड कर दीजिए, इसको भी फोल्ड कर दीजिए, इसको भी फोल्ड कर दीजिए। और परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले लेकर के ऐसा रख दीजिए और इसको खोलकर दिखा दीजिए, ऐसे तीसरा फोल्डर ऐसा खोलकर दिखा दीजिए। अब एक कागज को लेना है, इसके अंदर डालना है, बंद कर देना है। अब क्या है, यहां पर तो कागज है, इसके उल्टा साइड में जो दूसरा फोल्डर है उसके अंदर नोट है, तो इसको क्या करना है, हमको ऐसा उलटना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब इसको लेकर के ये फोल्डर फोल्ड करेंगे तो इसको इस तरह से लेकर के ऐसा रख देंगे तो वो उल्टा आ गया। अब इसको लेकर के जादू डालिए, कुछ खोल दीजिए, ये नोट डाल। अब दूसरा कागज ले लीजिए, उसी में डाल दीजिए और फोल्ड कर दीजिए, ऐसे ही दूसरा फोल्डर को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। अब जैसे हमने पहली बार छोटा फोल्डर को किया था वही कार्रवाई इधर करना है, इसको लेकर के इस तरह से फोल्ड करना है ताकि ये उतर जाए। इस जादू लगाइए, खोल कर दिखा दीजिए, एक नोट और डाल दिया। अभी ये कागज निकालिए, इसके अंदर ऐसा डाल दीजिए और
जैसे हमने पहले किया था उसी वही कार्रवाई इसमें करना है, इसको लेकर के इसका फोल्ड करना है, जादू डालिए इसमें। इसको खोल करके दिखा दीजिए तीसरा नोट भी आ